हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम लोग कुछ पढ़ने वाले नहीं है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है दिस इज द काउंसलिंग प्रोसीजर फॉर आईआईटीज एंड आईआईटीज आईआईटीज एंड जीएफटीआई। तो ये आपका वीडियो है, ये इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि कैसे आप लोग काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हो। यहाँ पर हम आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं, हर एक चीज में आपको सपोर्ट करने वाले हैं कि कैसे आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में कितने राउंड्स होते हैं, कैसे काउंसलिंग के अंदर सीट एलोकेशन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो आपको ध्यान रखने होंगे, और डिपेंडिंग ऑन योर रैंक आपको कौन कौन सी चॉइसेस फिल करनी है और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको मिल सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देंगे हमारे काउंसलिंग गुरु आरपीएस सर, जो कि आपसे बात करने वाले हैं। हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी ने जेई क्वालिफाई कर लिया होगा, कल आपका रिजल्ट भी आ चुका है। यहाँ पर मैं आप लोगों को, जैसा कि प्रिंस सर ने अभी आपको बताया भी, मैं काउंसलिंग के बारे में आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा, कुछ तरीके बताऊंगा। मैं जानता हूं कि आप सभी के सभी इसके लिए पहले से प्रिपेयर भी होंगे और पहले से आपने सोच भी रखा होगा कि कौन सी ब्रांच, कौन से कॉलेज में क्या क्या लेना चाहिए या आपकी रैंक के अकॉर्डिंग क्या क्या मिल सकता है। फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पर हम कई बार नहीं सोच पाते या हमारा ध्यान नहीं जा पाता, उनकी तरफ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर काउंसलिंग सेशन में IITs, ट्रिपल IITs, GIFTs एंड NITs का काउंसलिंग होता है। जोसा, जिसका कि फुल फॉर्म होता है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, इसके थ्रू होता है। जोसा ऑलरेडी IIT ने अपनी साइट पर दो तीन दिन पहले दे रखा है, मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हुआ है तो उसको आप देखो और उसमें रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ चीज़ें IIT ने आपको दी हुई हैं, उनको आप पहले ध्यान से, स्लाइड पर मैं आपको चलाने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से नोट डाउन कर लो। यहां पर आप देखो, सबसे पहले आपको दिया हुआ है जोसा 2018, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज मैंडेटरी, आपको खुद ही इसको फिलअप करना है और सारे पॉइंट्स लिखना है। वन बाय वन आप पॉइंट्स को देखते जाओ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जोसा की साइट जो है वो आपको बार बार देखते रहनी है, क्योंकि हो सकता है कोई अपडेटेशन हो, कोई चीज़ और हो, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डेट में कोई चेंजेज हो या कुछ और हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा। लास्ट में लिखा हुआ है फिजिकल रिपोर्टिंग, आपकी जब भी काउंसलिंग के बाद से आपको जो भी सीट एलोकेट हो जाएगी, आपको लेना हो या ना लेना हो, अभी आपको मैं बताऊंगा, फर्स्ट राउंड के बाद से आपको वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होकर अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज फीस सबमिशन और सारी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी होगी। उसके लिए आपको 4 to 5 days का टाइम दिया जाता है। अप टू 10 to 10 o'clock मॉर्निंग में ऑफिस ओपन होता है और 5 o'clock क्लोज हो जाता है, तो उसको आप ध्यान में रखोगे। यहाँ पर कुछ डेट्स वगैरह भी दी गई हैं, जैसा 30th अप्रैल ऑलरेडी आप जान चुके हो, 10 जून जो कि कल था और कल आपके रिजल्ट आ चुके हैं, 15 जून से आपके रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, 19 जून को पहला मॉक सीट एलोकेशन। भाई मॉक सीट एलोकेशन में आप कंफ्यूज मत होना, मॉक सीट एलोकेशन मैंडेटरी है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि आपको कौन सी सीट मिली, ये बिल्कुल भी आप मत सोचना कि इसमें जो एलोकेशन हुआ है वही सीट आपको मिल जाती है। वो सीट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जोसा के समय कई लोगों ने AAT यानी कि आर्किटेक्चर का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसको फिल किया होता है, जिसका रिजल्ट ही आपके पास आया हुआ होगा 18th को, तो उन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो अपना रजिस्ट्रेशन 18th के बाद कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं अभी डिटेल में बात करूंगा। पहले तो ये डेट्स आप लोग ध्यान रखना कि मॉक टेस्ट सीट एलोकेशन और मॉक सीट एलोकेशन 2, ये दोनों के दोनों आपको सिर्फ ये बताता है कि कोई चॉइस गड़बड़ हो तो उसको आप चेंज कर सकते हो, अपनी चॉइसेस में फिर से आप चाहो तो कुछ चेंजेज ला सकते हो, और ये देख सकते हो कि कोई ह्यूमन एरर तो नहीं होगी, जो आप चाहते थे वही आपने फिलअप किया है या कुछ और फिलअप कर दिया है, इससे आपके एलोकेशन का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद से आता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, 25 जून को है और इसमें आपको एकेडमिक प्रोग्राम अंडर जोसा एंड्स। यहाँ के बाद से आता है 26 जून को रिकॉन्सिलेशन ऑफ डेटा सीट एलोकेशन वेरिफिकेशन एंड वैलिडिटेशन, यहाँ से आपके मेन राउंड शुरू होता है। 26 के बाद से आप जब भी ये सब चीज़ें फिल कर लिए रहोगे, 27 जून को आपको
फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशन होगा। अगर आप इसको फ्रीज करते हो तो ये सीट्स आपकी एलोकेट कर दी जाएंगे। फर्स्ट राउंड से ही एक्चुअल में सारा कुछ स्टार्ट होता है। इसके बाद से आपको टोटल 5 डेज का टाइम दिया जाएगा और फिर 3rd of July को फिर से आप एक बार सीट एलोकेशन के लिए आप फिल कर सकते हो और सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये डेट सारी लिखी गई हैं कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, इस तरह से 6th round तक आपका होता है। 6th round के बाद से जो भी आपने फ्रीज कर दिया है वही सीट आपको लेना पड़ेगा। अब आपकी ना ही फीस रिफंड हो सकती है एज वेल एज आप सीट कोई और बदल भी नहीं सकते हो। तो 6th round के बाद से फ्रीज हो जाता है। जिन लोगों ने कोई चॉइस नहीं ऑप्ट करी और सारा का सारा कुछ फ्रीज कर दिया है उन लोगों के लिए तो सीट फिक्स्ड हो चुकी है। लेकिन वो लोग जिन लोगों ने कि अपने फीस का विड्रॉल करा लिया और उसको हटा दिया उनके लिए एक और राउंड जिसको स्पॉट राउंड भी कहते हैं 7th round स्टार्ट होगा। और इस 7th round में आपको फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा और उस सेंटर पर जो भी आपके पास सीट्स बची हुई हो उनमें से आपके रैंक के चॉइस के आधार पर मिल जाता है। तो ये तो थी डेट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। अब मैं आपको स्टार्ट करूँगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या हमें फिलअप करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक 1 by 1 टिप्स दूँगा। स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हमारे पास चॉइसेस होती हैं और किस तरह से हमें फिल करना चाहिए। देखो बच्चों, कई तरह के लोग होते हैं और कई तरह के उनके अपनी क्वेरीज होती हैं, चॉइसेस होती हैं। सारी तो मैं नहीं यहाँ पर डील कर सकता। इसके लिए आपको एक ऑनलाइन व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा जिस पर मैं 24 आवर अवेलेबल रहूँगा और आपकी क्वेरीज को दूर करूँगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि क्या क्या चॉइसेस होती हैं। इनमें सबसे पहले पर मैं प्रायोरिटी पर वो रखता हूँ जिसमें आपका ड्रीम, आपने से बचपन से सोचा हो कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, या आपने बचपन से सोचा हुआ हो कि मुझे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या कंप्यूटर इंजीनियर या सिविल इंजीनियर बनना है, तो ये आप मान के चलो वहाँ पर आप किसी से भी मत पूछो। अपनी जो डिजायर ब्रांच है जिसमें आप इंजॉय करते हो उसको आपको ले ही लेना चाहिए, क्योंकि आप खुद भी सोच सकते हो कि वो वर्क जिसको आप इंजॉय भी करते हो और जो आपका अर्निंग प्रोसेस भी हो उससे अच्छा तो कोई वर्क हो ही नहीं सकता। तो उनके लिए तो मेरा यही सजेशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ उस ब्रांच को ले ही डालें जो वो बचपन से सोच रहे थे कि ये मेरा ड्रीम है, कि मुझे मशीनों से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो मशीन उनको ले लेना चाहिए, मैकेनिकल ले लेना चाहिए। जिनको लगता है कि नहीं मुझे कंस्ट्रक्शन में जाना है और मुझे यही करना है, उनको तो सिविल ले ही लेना चाहिए प्रायोरिटी वाइज IITs या NITs में जहाँ भी आपको मिले। ये तो होती है फर्स्ट चॉइस। सेकेंड वो पर्सनस होते हैं जो IIT या NIT की डिग्री कोर्स की तरह देखते हुए ये सोचते हैं कि हमें IAS करना है या फिर MBA करना है। भाई देखो, IAS या MBA के लिए आपको ये भी चाहिए कि CT इतनी अच्छी होनी चाहिए जहाँ पर आप आसानी से 3rd year ऑनवर्ड प्रिपरेशन कर सको। इसके लिए जैसे IAS के लिए कहा जाता है दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, ये काफ़ी अच्छी सिटीज में आते हैं, मुंबई भी है इनमें से एक। MBA के लिए कोई भी ऐसी सिटी जहाँ कि आपका GD का भी डेवलपमेंट हो, इंटरव्यू का भी डेवलपमेंट हो और साथ ही साथ ऐसे लोग मिलें जो आपके साथ MBA की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो ऐसे कॉलेजेज पर आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों से तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि वो ब्रांच के पीछे ना भागें, वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉलेज और सिटी को सेलेक्ट करें जहाँ की वो तैयारी कर सकते होंगे। और वैसे भी जिन भी सिटीज़ में IAS या MBA की अच्छी कोचिंग होती है वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज भी जनरली बहुत ही अच्छे होते हैं। थर्ड पर वो पर्सन्स आते हैं जो या तो गवर्नमेंट सर्विस में थ्रू इंजीनियरिंग जाना चाहते हैं या फिर PSUs में जाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहूँगा वही ब्रांचेस सेलेक्ट करनी चाहिए जो गवर्नमेंट सर्विस या PSUs में रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, यहाँ पर आप सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के थ्रू आप जा सकते हो। तो यही 4 ब्रांचेज के बारे में सोचो और इसमें आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरीके से PSUs में केमिकल भी आ जाता है, कुछ जगहों पे मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस जिसका कि एक और पार्ट होता है सिरेमिक्स, वो भी आ जाता है। कुछ जगहों पे कंप्यूटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है PSUs में, तो इन ब्रांचेज के बारे में आप सोच सकते हो। आपको ये भी जानना चाहिए कि जैसे मैकेनिकल है, मैकेनिकल की 2 sub branches होती हैं जिनको कि लोग जानते भी नहीं हैं। प्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल, बस प्रोडक्शन में इतना ही होता है कि हैवी मशीनरीज के बारे में बताया जाता है।
इसी तरह से ऑटोमोबाइल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल, तो आप चाहो तो मैकेनिकल अगर वहाँ नहीं मिल पा रहा है सुटेबल जगह पे, लेकिन आपको प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल मिल रहा है तो आप सोच सकते हो। ऐसे ही कंप्यूटर के साथ भी है, आईटी या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये भी एज गुड एज कंप्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी तमाम ब्रांचेज खोल रखी है, लाइक कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन इनको भी, या टेली कम्युनिकेशन इनको भी आप अपने ऑप्शंस में रख सकते हो। इसके बाद से बात आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि ये सोचकर पढ़ाई किए थे कि हमें बीटेक करना है और बहुत अच्छा पैकेज लेना है, इनके लिए ही ये काउंसलिंग का कोई मतलब होता है। बाकी तो जो तीन है वो तो अपने अकॉर्डिंग या वो मुझसे वन टू वन टॉक करके ये बात जान सकते हैं कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। इनके लिए अब मैं इन जनरल बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग चाहते हैं कि हमें अच्छा पैकेज मिले और अच्छा ब्रांच मिले, अच्छा पैकेज मिले और हम उसको इंजॉय करेंगे, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा, अगर आपको कंप्यूटर साइंस किसी भी अच्छे कॉलेज में मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में कंप्यूटर साइंस नंबर वन है और आने वाले 10-20 सालों में भी मुझे तो नहीं लगता कि इसकी वैल्यू कहीं घटने वाली है, और बढ़ेगी ही। आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि कंप्यूटराइजेशन अभी और चीज़ों का नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर, कॉलेज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर यानी कि सॉफ्टवेयर की जो कंपनी जाती हैं वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल को भी उतना ही वेटेज देती हैं अच्छे कॉलेज में। अगर आपके कॉलेज की रैंकिंग थोड़ी नीचे है या फिर आपकी ब्रांच, आपकी रैंक थोड़ी नीचे है, तब तो आपको कंप्यूटर पर जाना चाहिए, लेकिन अगर आपकी ब्रांच या आपका कॉलेज बहुत अच्छा मिल रहा है तो आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इनफैक्ट कई जगहों पर तो सिविल वगैरह में भी सॉफ्टवेयर कंपनी जाती हैं और उनको लेकर जाती हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करें। कई तरह की साइट्स हैं, NHRD ने अपनी रिपोर्ट में ब्रांच वाइज भी रैंकिंग दी हुई है, एज वेल एज उस तरह की भी रैंकिंग दी है कि कॉलेज वाइज नंबर वन नंबर टू कौन सा है, और इसके अलावा कई जगहों पे आपको मिल सकता है पुराने सीनियर्स से या इनफैक्ट हमारे जैसे लोगों से जिनसे हर साल लोग मिलते रहते हैं और हमें आइडिया होता है कि कैंपस कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। इस तरह के लोगों से आपको जानकारी ले लेनी चाहिए कि वहाँ पर जाना कैसा है और कैसा रहेगा। अगली बात ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कॉलेज या जो भी ब्रांच सेलेक्ट करना, वो आप उस कैटेगरी के हो जिसको कि केवल और केवल इंजीनियर बनना था और अच्छे पैकेज पाना था, तो आपके साथ वो ब्रांच लाइफ टाइम लगी रहेगी। मीन्स अगर आपको लगता है कि इस फील्ड में मेरा जीरो इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर नंबर वन है, लेकिन आपको लगता है कंप्यूटर तो देखते ही मुझे बुखार आ जाता है, और आपने कंप्यूटर ले ली, तो जिंदगी भर तो आपको कंप्यूटर के सामने ही रहना होगा। फिर आप क्या करोगे, उसको तो आप छोड़ भी नहीं सकते और दोबारा आप बीटेक कर भी नहीं सकते। तो उस तरह की ब्रांचेस को आप जनरली अवॉइड करने की कोशिश करो जिसमें कि आपको ये फील आता है कि चाहे कितना भी अच्छा पैकेज मिलता हो इसमें मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही लोग होते हैं जो कि अलग फील्ड कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं और कहीं और ही चले जाते हैं, तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद से अगला पॉइंट ये भी आपको सोच कर रखना है कि कौन सी जगह पर लिया जाए। जैसे आप नॉर्थ इंडिया के हो, साउथ में अगर आप चले जाते हो और आपके पास ऑप्शन है नॉर्थ इंडिया में, तो आपको साउथ में जाने पर लैंग्वेज प्रॉब्लम एज वेल एज फूड प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसको भी आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान देना ही चाहिए। वैसे तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हॉस्टल्स में तो हर जगह के लोग पाए जाते हैं और इसीलिए आप जब भी देखोगे तो फूड भी हर जगह की क्वालिटी के होते हैं, लेकिन बाहर कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और आफ्टर ऑल बीटेक बनने के बाद से हमने ये तो सोचा ही था कि कहीं भी जाएं तो हम थोड़ा बहुत तो इन्जॉयमेंट करेंगे। अब कोई आपका फ्रेंड मुंबई में है तो आपको जो भी बताएगा, और आप मान लो कि IIT चेन्नई में हो या यू कैन से IIT खड़गपुर में हो, तो वहाँ इन्जॉयमेंट के लिए बहुत कम जगह है। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 4 साल केवल और केवल पढ़ाई करनी है और करियर बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ब्रांच को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट करने से पहले वहाँ के कुछ एक सीनियर, और अगर पॉसिबल हो तो कॉलेज प्रोफेसर्स भी कई बार अपने नंबर्स वगैरह दिए हुए होते हैं, उनके थ्रू आपको ये जानकारी ले लेनी चाहिए कि किस तरह का कैंपस चल रहा है और किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ किसी एक दो लोगों की जानकारी के बाद से पहुंच जाएं। और ये चीज़ तो बिल्कुल भी आप मत ध्यान देना कि कोई अगर आपके फादर जैसे बोले कि मेरे फ्रेंड का बेटा था, उसने एक्स कॉलेज में वाई ब्रांच ली और वो आज की डेट में US में है या बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, बहुत अच्छे पैकेज पा रहा है। देखो, वो उसकी काबिलियत थी, वो आपके अंदर हो ना हो ये कोई नहीं जानता। आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं
ये आप अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए कोशिश ये करना कि अपने अकॉर्डिंग और ये मानते हुए ब्रांच का सिलेक्शन करना कि जो भी ब्रांच मैं लूँगा मोस्ट प्रॉब्ली लाइफ टाइम मेरी वही ब्रांच बनी रहेगी। क्योंकि आज की डेट में भी जितने लोग कोई ब्रांच सेलेक्ट करके लेके जाते हैं 30-40% लोग तो IAS, MBA या PSUs या फिर आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर वगैरह में चले जाते हैं या अपना फील्ड ही चेंज कर देते हैं, लेकिन बाकी जो 60% लोग बचते हैं उन 60% के साथ वो ब्रांच एक टैग मार्क की तरह जुड़ा होता है और लाइफ टाइम उनको उसी में काम करना होता है। और आप खुद भी समझ सकते हो जिस काम में इंटरेस्ट ही ना हो अगर वो काम आप कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे। यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कॉलेज में जाने के बाद से जनरली हम ठंडे पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर ब्रांच ऐसी सेलेक्ट करो जिसको पढ़ने में हमें इंजॉयमेंट आए। अगर आपको इंजॉयमेंट आएगा तो आप ये मान कर चलो उसको पढ़ोगे और पढ़ने के बाद से तो आप किसी भी ब्रांच में रहो टॉप पर पहुँच ही जाओगे। कॉलेज का सिलेक्शन बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। अगर आपको IIT और NIT में से कोई भी मिल रहा हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि लोअर से लोअर रैंक पर भी हमें IIT जैन NIT ऑप्ट करना चाहिए। इसके बाद से मैं रैंकिंग देता हूँ IIIT, इसमें हैदराबाद को थोड़ा सा साइड कर सकते हो, हैदराबाद तो इनफैक्ट बहुत सारी IIT से भी ऊपर है। IIIT में भी आप ले सकते हो। इसके बाद से आता है गवर्नमेंट कॉलेजेज, और अगर ये चारों ना मिल रहे हो तो देखो प्राइवेट कॉलेज का कोई भी ईमान धर्म नहीं हो सकता है। प्राइवेट कॉलेज अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है और उसकी जानकारी हमें तो जीरो ही होती है। रीजन ये होता है कि इस साल एक्स प्राइवेट कॉलेज से कोई बहुत अच्छी जॉब मिल गई, जबकि हम ये नहीं सोचते वो कॉलेज की नहीं उस इंडिविजुअल पर्सन की क्वालिटी थी। अदरवाइज अच्छी कंपनीज तो प्राइवेट कॉलेजेज में जाती ही नहीं है। अच्छी जॉब मिल गई तो हम सोचते हैं वो अच्छा कॉलेज है, वहाँ पहुँच गए और हम फंस गए, और प्राइवेट कॉलेज में अच्छी कंपनीज जाती ही नहीं है। कंपनीज के कैंपस के लिए CT और ओल्ड IITs का भी बहुत ज़्यादा फर्क आता है। अगर पुरानी IIT या पुरानी NIT है तो आप खुद भी समझ सकते हो उसके पास आउट लोग हर एक कंपनी में कहीं ना कहीं टॉप पोजीशन पर बैठे होंगे, और टॉप पोजीशन पर बैठे होने के कारण वो अपने कॉलेज से थोड़ा बहुत तो लगाव रहता ही है। ये तो आपको भी आइडिया होगा, बचपन का स्कूल अभी तक याद होगा ही होगा। तो टॉप पोजीशन पर बैठे होने के कारण उन कॉलेजेज में कैंपस के लिए आते ही आते हैं। तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ का एलुमनाइज ग्रुप बहुत ही स्ट्रांग है वहाँ पर कैंपस बहुत ही अच्छा हो जाता है, और कहाँ का एलुमनाइज ग्रुप ही नहीं है। जैसे कोई XIIT इस साल खुली तो वहाँ का तो कोई एलुमनाइज ग्रुप ही नहीं होगा, चार साल बाद वो कैसा परफॉर्मेंस करेगा इस पर डाउट रहेगा। ये तो मैं एग्री हूँ कि कोई भी नई IIT या NIT खुली हुई होगी तो ये मान के चलो 10 साल बाद वो अपनी स्टेटस IIT या NIT के अकॉर्डिंग मेंटेन कर ही लेता है, लेकिन 10 साल तक तो आपको सुनना ही पड़ेगा। और इस बात का ध्यान रखना कि अगर IIT में आपकी कोई रैंक है और आपके NIT में भी अच्छी ब्रांच मिल रही है तो बहुत सोच विचार के IIT छोड़कर NIT की तरफ मूव करना, क्योंकि आफ्टर ऑल वर्ल्ड वाइड इंडिया का एक ही कॉलेज जाना जाता है वो है IIT। IIT को सभी लोग जानते हैं, और IIT आपने देखा होगा ही इज पास आउट फ्रॉम IIT, उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन शायद ही कोई पूछता है किस IIT से, और दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरा तो आता ही नहीं है कि ब्रांच क्या थी। इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस चीज़ तो होती है कि आप IIT से पास आउट हो या नहीं। उसके बाद से अगर कोई IITian होगा तब ये पूछ लेगा किस IIT से पास आउट हो, और कुड भी पॉसिबल वो ये भी पूछ ले कि ब्रांच आपकी क्या थी, लेकिन ये सब सेकेंडरी हो जाती है, पहली चीज़ तो IITian ही रह जाती है। तो इन बातों को ध्यान रखो। और भी हमारे वीडियोज समय समय पर राउंड के हिसाब से आते रहेंगे, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हो, और आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है लेकिन जवाब आपको आपके उस राउंड से पहले पहले मिल ही जाएगा। ओके, थैंक यू।